मैजिशियन एडी लौट आया हूं अपने नए एपिसोड के साथ। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक्शन कैमरा की। कई लोगों ने मुझसे पूछा है, कमेंट्स आते रहते हैं कि हम लोग कौन सा एक्शन कैमरा लें, हम लोग कंफ्यूज हैं, हम लोग मोटो ब्लॉगर बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के, मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, तो आप लोगों को आज फाइनली इस चीज़ का जवाब मिलने वाला है। सो तैयार हो आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। मोटो ब्लॉगिंग का मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, एकदम से मुझे एक शौक था शुरू से कि यार स्पोर्ट्स बाइक होगी तो वीडियो बनाया करेंगे, या इन सारी चीज़ों का फेस था। तो मैंने बोला कि चलो मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने पैशन के लिए मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट की, पैसे कमाने के लिए नहीं की, इसीलिए शायद मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो हो गया। अदरवाइज क्या होता है, जब हम ब्रेन में पहली चीज़ डाल लेते हैं कि यार मैं यूट्यूबर बनूंगा और पैसे कमाने के लिए बनूंगा, तो अगर नहीं बन पाते तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है, जिस वजह से हम लोग डिप्रेशन में भी शिकार हो जाते हैं कई बार, और कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में एक एम बना के चलो, हर एक चीज़ के लिए एक पैशन बनाओ कि यार ये मेरा पैशन है। प्रोफेशन भी अच्छी चीज़ है, बट द थिंग इज जब आप किस चीज़ को एक पैशन के रूप में देखोगे तो आप अंदर से फीलिंग आएगी कि यार मुझे आज ये करना है, आज ये करना है। अगर आप लाइक प्रोफेशन या उस चीज़ सिर्फ अर्न करने के लिए करोगे तो आपके मन में होगा कि यार ये वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है ये मिलियन चले जाए, लेकिन वो सिर्फ हो सकता है। तो डिफरेंस समझो, दोस्तों का नाम सुना होगा, नॉइस का सुना होगा, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि उन दोनों में ज़्यादा बेटर कौन सा है, और भी जो जो अदर ब्रांड के एक्शन कैमराज हैं उनमें ज़्यादा अच्छा कौन सा है। तो भाई GoPro तो मेरा तो फेवरेट है पर्सनली, बिकॉज एक चीज़ मैंने कंपेयर किया कि जो मेरा एक्शन कैमरा है, इवन वो भी आपको दिखाऊंगा तो आप चौंक जाओगे कि यार ये इस कैमरा से शूट करते हैं क्या ये सारी चीज़ें। बट कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे मुझे स्टार्ट करना था तो मैंने वो एक्शन कैमरा लिया। अब एक चीज़ समझना, जब मैं ब्लॉग्स रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे ब्लॉग्स की क्वालिटी मैंने मोबाइल में देखी थी, और लाइक ब्लॉग्स रिकॉर्ड करके मोबाइल में ट्रांसफ़र करके रखे हुए थे, और एक फ्रेंड है जो नॉइस के एक्शन कैमरा से शूट करता था वीडियो, तो वो 12 मेगापिक्सल का है और जो मेरा GoPro है वो 8 मेगापिक्सल का है। बट जब सामने हमने रख के देखा तो GoPro की क्वालिटी ज़्यादा अच्छा थी रेदर देन नॉइस। तो ऐसा क्यों हुआ? मैं किसी पर्सनली ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा या किसी ब्रांड को डीपीएम नहीं करने आया हूँ, मैं जस्ट आपके लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा बेटर कैमरा कौन सा होगा। और ऐसा क्यों होता है कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है बट वो क्वालिटी 8 मेगापिक्सल की क्वालिटी उस 12 मेगापिक्सल को बीट कर देती है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस करके उस वीडियो को, उस फोटो को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड कर देते हैं। 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, आई एग्री विद दैट, बट द थिंग इज जो उसमें सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं जिस वजह से उसका प्राइस भी बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं उसकी फुटेज को, उसके फोटोज वीडियोज को इम्प्रूव कर देते हैं, उसकी क्वालिटी इन्हांस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ट्रस्ट तो GoPro में है, तो आप लोग भी GoPro खरीदो तो ज़्यादा बेटर है। मैं बताता हूँ कि मैंने एक्शन कैमरा कब लिया। मैं एक्चुअली जब 1.5 साल पहले भूत चढ़ा था कि अब तो फाइनली करना है, तो मैंने सजेशन मांगा मेरे एक फ्रेंड है स्वप्निल भाई से, वो फोटोग्राफर है। तो मैंने पूछा कि भाई मुझे एक एक्शन कैमरा चाहिए जो मेरे बजट में आए, मतलब मेरा उतना कुछ खास बजट नहीं है, एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं
सक्सेसफुली चेंज माई लाइफ। आप लोग भी खुद को कम मत समझो यार, आपके पास जो टैलेंट है ना, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। जैसे एक किसी ने मुझे बोला था, आज लाइव आया था मैं यूट्यूब पे, कई बार लाइव आ जाता हूँ बिना बताए, तो आज लाइव में मुझे एक किसी ने बोला था कि भाई आप सबसे अलग हो और आपके जैसा कोई नहीं है। तो मैंने उससे यही बोला कि भाई एक्चुअली मैं सबसे अलग हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है, और वैसा ये सच भी है कि मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता, बिकॉज या तो कोई मुझसे बेटर बन सकता है नो डाउट, या मुझसे कोई नीचे के लेवल पे होगा, बट एग्जैक्टली एडी बनना इज वेरी टफ। नो वन कैन बी यू, राइट? यू कैन ओनली बी यू, बिकॉज आप ही आप बन सकते हो, आपके अलावा कोई आपके जैसा एग्जैक्टली नहीं बन सकता। सो आप हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, तो एक चीज़ समझना, आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो कुछ तो खुद का पैशन ढूंढो और फिर उस चीज़ को ब्लॉगिंग से मिक्स करो, देखो एक बार एक्सपेरिमेंट करके कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, कौन सा तड़का लोगों में काम कर रहा है, उस चीज़ पे काम करना चालू करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और कभी ये मत सोच के करना कि यार पैसे मिलेंगे यूट्यूब से इसलिए मैं करूँगा, अगर ये सोच के करोगे तो ट्रस्ट मी चैनल ग्रो नहीं करेगा। अगर ये सोच के करोगे यार मुझे ऐसा कंटेंट लाना है कि लोग मुझे पसंद करें, मेरा फेम हो, मेरा नेम हो, एक वो जो भूख होती है ना नाम की, वो रखो मन में, वो वाला लालच रखो। ऐसे लालच मत रखो कि यार पैसा यहाँ से मिल जाए वहाँ से मिल जाए, नहीं, वो लालच रखो कि यार लोग मुझे पसंद करें, वो लालच अच्छा लालच है और कहीं ना कहीं वो आपको सक्सीड करेगा आगे, एक बार आगे अच्छी लेवल तक पहुँचाएगा। तो ये मेरा है एक्शन कैमरा, जो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज तक एक सीक्रेट था कि भाई आप कौन सा यूज़ करते हो। कुछ समय में मैं ये भी अपग्रेड करूँगा, अभी तो फिलहाल जैसा कि पता है लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से मैं अपग्रेड नहीं कर सकता। कुछ टाइम बाद थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो मेरे को 2-3 चीज़ों पे काम करना है, मैं डेफिनेटली उसके बाद चीज़ें अपग्रेड करूँगा। सही बात बाकी के सेटअप की, कि माइक कौन सा यूज़ करता हूँ, ट्राइपॉड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें जिसके लिए चश्मा वगैरह कहाँ से लिया, सब इस चीज़ पे भी हम लोग जल्दी बात करने वाले हैं। जितने भी और भी कमेंट हो आप लोगों को, जो मेरे चीज़ के बारे में जानना हो कि आप ये कहाँ से लाए, ये क्या करते हो, ये जो भी जितने सवाल चल रहे हो ना मन में, सब कमेंट कर देना और बता देना, मैं कमेंट पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा उस चीज़ पर वीडियो बनाने की और आप लोगों की हेल्प करने की। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मैजिशियन एडी साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराओ तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।